Dumuk, 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 Dumuk. And here comes a happy mama. Happy, 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 happy mama. Hello and welcome back to our channel. Hello. सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ और इंस्टाग्राम पे हम दोनों को फॉलो करो, ठीक है? शेयर करो। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि हम लोग जा रहे हैं लास्ट वाला चेकअप कराने के लिए, डॉक्टर ने बुलाया। तो अभी बस डॉक्टर के पास जा ही रहे, ऑलरेडी 15-20 मिनट लेट है और 15-20 मिनट लेट हो गए, पता है, रिक्शा पकड़ते हैं निकलते हैं। थोड़ा सा सफोकेशन हो रहा है। वो मुझे भी हो रहा है, पता नहीं आज थोड़ी गर्मी गर्मी लग रही, इतनी बारिश होने के बाद भी है ना, मुझे भी आ रहा था तो पूरा पसीना पसीना लग रहा था एकदम। अचानक से ह्यूमिडिटी हो गई तो समझा ही नहीं। आज तो इतना तैयार क्यों हुई? अरे सब ऐसे ही कपड़े पड़े, काम करूँ तो मैंने सोचा चलो आज ड्रेस निकाल देती हूँ। आ गया ना तेरे लकीली? हाँ, मुझे लगा नहीं आएगा। ये लूज किया था ना। हाँ बराबर, ऐसे ये देखो थोड़ा रबल रबल है बीच में। मैं क्या, तू आराम से, मुझे क्या आराम से बोलती है हमेशा। तो आज हम लोग का फाइनल वाला चेकअप है। हाँ। ये फाइनल रूटीन चेकअप है, इसके बाद सीधा जब जो भी होगा, कुछ भी होगा तब आना, तो भाग के आना पड़ेगा, भाग के आने का। हाँ। तो अभी हम लोग आज पता नहीं, देखते कुछ है हो रहा है तो कुछ ऐसा कुछ बताना को डॉक्टर को। कुछ नहीं, वही थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गया। वो तो होगी ना, ऑब्वियसली लास्ट मैंने आ रहा है अभी, तो थकान ज्यादा हो रही है और नींद का प्रॉब्लम है। अभी इसके बाद मुझे भी जाना है डॉक्टर के पास। जो हाथ से मैं ब्लॉक कर रहा हूँ ना, वो हाथ में मुझे बहुत ज्यादा पेन है, अचानक से इंजर्ड हो गया, आई डोंट नो कैसे, क्या क्या कुछ समझ में नहीं आया, बट बहुत जोर की लगी है मुझे, ऐसा पेन हो रहा है ना हड्डी में, बता नहीं सकता। तो वही डॉक्टर के पास जाना है बताने के लिए। तो अभी इसका होने के बाद में मैं निकलूंगा, अभी मैं अपने डॉक्टर के लिए जो मेरे इधर ही है, तो उसको बताऊंगा, वो देखते क्या बोलती है। बीच में गाड़ी खड़ा कर दिया, समझ गया। तो आज हम लोग को यहाँ पे बेड का भी पूछना है फाइनल क्या है, देख भी लेंगे एक बार अगर हो सके तो। अभी जाते हैं हम लोग अंदर डॉक्टर के पास, देखते हैं क्या है फाइनल, आज क्या बोलते हैं डॉक्टर। बहुत भीड़ है, नंबर ही नहीं आ रहा है, कब से बैठे हैं नंबर ही नहीं आ रहा है, आएंगे बोर हो रहा है। तो सब कुछ बढ़िया, एकदम सही, सब सही चल रहा है, बस अभी हर हफ्ते आना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी 9th मंथ लग चुका है, अब कभी भी कुछ भी हो सकता है। अभी 4-5 चीज़ों का ध्यान रखने बोला है, अगर इसमें से एक भी चीज़ कोई होती है ना तो रुको मत, सीधा भाग के आओ, रात के 2 बजे भी आओगे चलेगा, पर आओ, कुछ नहीं है तो वापस भेज देंगे, बट अगर रहा तो हो जाएगा। तो यही है बस, अभी रिक्शा पकड़ता है निकलता है, क्योंकि इसको बहुत भूख लग रही है, जब से हलचल चालू है टेंशन में आ गई है। क्या खाएगी, मोमोज जो भी मिला हाँ चल, तो कल मोमोज खाने वाली थी ना, वैसे भी आज मोमोज खा लेते हैं। तो हम लोग आ गए यहाँ पे और 2-2 प्लेट मोमोज लिया, और ये चालू भी हो गई है। वह गर्म है, ज़रा आराम से खा, वह धुआं निकल के खा रही है, मुँह जल जाएगा, भूख लग रही है, सर दुख रहा है, चालू हो गया इसका। मेरा थोड़ा ठंडा करके खाऊंगा मैं, तू खाते रह आराम। कैसा है टेस्ट? ज़बरदस्त, मैं कभी ट्राई नहीं किया यहाँ का, तो अभी मैं बोला अभी टाइम है यहीं से खा ले फिर चलते करते हैं, इसके लिए रिक्शा सीधा यहीं रुकाया हम लोगों ने। तो फिर मैं भी खा ले, तो मेरे भी मुंह में पानी आ रहा है, इसको देखते कि कैसे खा रही है, खा के मिलते खा के। तो इसने 2 बचा दिए, मैं तो पूरा खा लिया, अभी नौटंकी कर रही है कि मेरा खाओ, मैं नहीं खाने वाला। हाँ नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, दोनों 2 खा, मैं क्यों खाऊँ, अरे खाया 12 मैंने, बस हो गया, ठीक है एक ही खाऊंगा, तू एक खा ले, ब्लैकमेलर। अभी है ना, हम लोग दोनों का क्रेविंग सेम हो गए, आई एम प्राउड ऑफ यू। जैसे खाई ना उसके बाद इसको आइसक्रीम लगी, मुझे भी आइसक्रीम खाना था, तो हम लोगों ने साथ में बोला कि चॉकोबार खाता है। हाँ। तो चॉकोबार खाया ही। तो अभी मैं ना इसको घर छोड़ता हूँ, उसके बाद मैं अपना घर पे जाता हूँ, एडिट करना है, क्योंकि आज का दिन मेरा ऐसे ही निकल गया, एडिट ही नहीं हुआ। वही तुरी चिड़ा हो गया। तो कल दीप्ति को छोड़ने के बाद में मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर नहीं थी तो मुझे एक और क्लिनिक दिखा, मैं वहाँ चले गया, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर को सब बताया कि ऐसा ऐसा है, इतना ये पेन हो रहा है और एक हफ्ते में फाइट है, तो कुछ करो, मतलब हल्का हल्का बुखार भी लग रहा था, उसको बोला मेरे को कैसा कुछ भी करो ठीक करो, एक हफ्ते में फाइट है। डॉक्टर ने पता नहीं क्या गोली दिया है कि रात को एक खाने बोला, फिर सुबह नाश्ता करने का और फिर वापस खाने का। उसने बोला थोड़ी स्ट्रांग है, नींद आएगी, और इतनी अभी शाम के 7:30 बज रहे हो, मैं अभी उठा जाके, मतलब सुबह उठा, एडिट किया, ब्लॉग अपलोड किया, फिर नाश्ता करके दवा खा के सो गया, उसके बाद में मतलब अब उठ रहा हूँ, मतलब
क्या था ये? वैसे पेन काफी कम हो चुका है, उसने बोला कि कल तक अगर नहीं होगा तो वापस आना, मुझे जरूर बताना। तो अपन देखते हैं आगे क्या करना है, आज का दिन तो ऐसे सोने में निकल गया। तो फिलहाल अभी जरा कॉफी बनाते हैं, दूध बचा था तो मैं बोला चलो आज दूध वाली कॉफी पिया जाए। कॉफी पीने के बाद मैं जाऊंगा सकलिन के घर, और सकलिन और मैं जाने वाले हैं मदनपुरा शर्जील के पास। तो आज ऐसे ही सैटरडे नाइट है, तो प्लान बन रहा है थोड़ा सा कि जाए थोड़ा कुछ खाए पिए बैठे थोड़ा बातें करे और सैटरडे इंजॉय करे। अभी मैं जरा कॉफी पी के चेंज करता हूँ, चेंज करके मैं डायरेक्ट मिलता हूँ सकलिन के घर पे। ये है सकलिन, मास्क उतार के दिखा जा रहा, मुंह दिखा दे सबको, मुंह दिखा दे। ओ यकीन मानो ये स्कूल से इसी दिखता है, अभी तक चेंज नहीं हुआ। स्कूल के पास ही, हाँ स्कूल के पास ही, पीछे रमजान अली स्कूल हम लोग के। तो तेरे लिए पोंचो लेके आया और ये पैंट भी लेके आया दोनों, ठीक है? क्या छोड़ दे मेरे, वर्गो है वर्गो, मेरा साइन है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे और सीधा पहुँचेंगे मदनपुरा। बीच में अगर थोड़ी सी भूख लग गई तो जोगेश्वर या कहीं तो रुक के थोड़ा सा, समझ रहे हो ना, भूख लगी तो ऐसा नहीं पहनने करे, अंदर डाल मेरा। ओहो बैटमैन हाथ खोल, क्यूट लग रहा है तू। अभी हम लोग डायरेक्ट क्या मदनपुरा में मिलता हूँ। तो हम लोग तो आ गए, ऐसी तूफानी बारिश में आया ना बता नहीं सकता, पोंचो की वजह से सिर्फ इतना ही भीगा मैं आगे से, ये भी पूरा सूखा, मैं भी पूरा सूखा, पैंट भी पूरी सूखी अपनी, और ये आ गया। ब्लॉक करने नहीं देते लोग यार, बैठ रहो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दूसरी जगह वेन्यू पे, बहुत बारिश हो रही थी करके यहीं रुक गया, नहीं तो वरना वही चले जाता। हाय सेठ कैसे हो? ऐसा मतलब ऐसा क्यों है कि जब से आप वीडियो में आ रहे हैं मेरे वीडियो नहीं चल रहे? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लोग बोले मेरे को पनौती, ओएस लोग ने, सब लोग ने बोले पनौती। चलेगा मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा नहीं पड़ता, नहीं पड़ता तेरे लिए पनौती भी सहलूंगा। चल तू कैसा लग रहा मालूम मेरे को आज? ओ, हर्षवर्धन अबे मैं ना कपूर तेल लगाना चालू किया बाल, पहले लगाता हूँ प्रैक्टिस पे आने से पहले, फिर उसके बाद प्रैक्टिस आता हूँ ना तो नहा लो। अच्छा लेकिन सारा तेल पता नहीं कौन सा दे दिए, जाता ही नहीं है ना। इसके लिए आप वाव का शैम्पू लगाना पड़ेगा 3-4 बार, तो निकल जाएगा। नहीं लेकिन अपने को चाहिए ऐसा कि जिससे मेरा बाल ना ठीक हो। अच्छा अच्छा ऐसा ठीक हो जाए। हम तो ऐसे आ गए थे, अब तो पता नहीं था दावत चल रही है, टेबल वेबल लग गया एकदम, ऐसा लग रहा शादी में आया हूँ। किसका बोली मैं रे? मतलब हम लोग भी एडअप हो गए दावत में, सर्जन का वली माँ वो ले लिया पार्टी ले लिया, तेरे को नहीं बुलाया? ओ शिट तेरे को नहीं बुलाया था? यो एक्चुअली शर्जील के भाई की अंदर दावत चल रही है, तो अभी हम लोग भी बैठ गए भाई, ऐसी है प्यार मोहब्बत बढ़ाने के लिए। मुंह क्यों फूका हुआ है? थोड़ा हंसना हुआ, अच्छा लगता है। टकला हो जा तू वापस, तू टकला हो जा, नहीं सब लिख रही लड़की लोग लिख रही थी तू टकले में। मेरी फ्रेंड बन करना बेतली लग रही है, कोई तो लड़के है पर बोलिए मगर लड़की लोग। अरे दाल पाव, दाल पाव की दावत दिया आज सर्जिल ने। ओए दाल पाव खिला रहा है, कैमरे में आ रहे हो कौन है किसके? अरे ऊपर चल व्लॉग चालू इधर पे, अभी खाना वाना खाने के बाद इधर पिक्चर चालू है, तूफान देख रहे हो? ओए तूफान, तूफानी बारिश में तूफान देख। हम लोग वहाँ से यहाँ आ तो गए इतनी तूफानी बारिश में, बड़े तूफानी बारिश में ज्यादा ही तूफानी नहीं होगी? जाएंगे कैसा अब, जाएंगे कैसा वो समझ में नहीं आ रहा है ना, नीचे दिख रहा है पूरा पानी भर चुका, ये मेन रोड है, कलीम की गाड़ी नीचे खड़ी, कलीम भागा, कलीम 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 खड़ा नीचे। अभी मलाड में भी पानी वानी भर चुका है क्या इधर पर? बहुत जगह भरा नहीं भरा है, हम लोग इधर तो नहीं भरा है। क्या सीन है बा? सीन है क्या हो गया? तो पानी भर गया था। अच्छा नीचे तक घुटने, ऑलमोस्ट घुटने तक? हाँ तो वो साइड थी मेरी गाड़ी। हाँ और अपनी गाड़ी ये साइड किया तो ऐसा थोड़ा। अच्छा वो साइड खड़ा किया था? हाँ वहाँ वो साइड में पानी भरा है, ये साइड में इतना नहीं है, स्लोप पे बैठे हैं मस्ती करे, तूफान मूवी देखी बहुत मजा आया, बट अभी तूफान के बीच में कहाँ चलू, किधर आ रहा आ रहा। अरे देखो बीच में बैठने दे भाई, तो कहाँ जाने का उधर दिलशाद? बारिश हो रही यार। अच्छा जहाँ हम लोग की स्कूटर है वहाँ पूरा पानी भरा है, तो हम लोग जा नहीं सकते, तो अभी कोई दूसरा जुगाड़ ढूंढ रहे, अभी कलीम पता नहीं काले के जा रहे हैं। तुम्हारे घर पे पाक किया मैं सोचा सेफ रहेगा, तुम्हारे घर पे पानी भरा बाकी घर भी भरा, ऐसा क्यों? पानी है ना, कुछ तो करना पड़ेगा भाई, ऐसा थोड़ी होता है, मेट्रो बना रहे हम लोग को तकलीफ हो रही है। अच्छा उसके से पानी भर रहे हैं? जनता सुना तेरे से मछली भी आती है ना, मंगूर मछली, मंगूर मछली हाँ सही ना। मेरे को एक बात बता, अभी मेरी स्कूटर मिलेगी कैसे और मैं घर कैसे जाऊँगा? तैर के तू निकाल के दे फिर
शहर के आने के स्कूटर को हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। वही लग रहा है मेरे को इधर क्या फ्रेंच टोस्ट भी बना रहे हैं। फ्रेंच टोस्ट ही बना है। ओह माय गॉड, फ्रेंच टोस्ट खाएंगे हम। खाएगा ना भाई, कलीम सब खाता है भाई। खाएगा कलीम क्यों नहीं खाएगा, खाएगा कि नहीं? थोड़ा टेस्ट कर लेंगे और क्या। स्माइल, इसको मालूम है ये घर जाने वाला है आराम से। हम लोग के लगे बड़े पुरना में भी अच्छा खासा पानी भरा हुआ है। हमारे इधर नहीं भरा पानी, भरा नहीं भरा नहीं भरा। ओ हो, फ्रेंच टोस्ट खाएगा अभी तुरे? ये मेरा वाला है, ये मेरा वाला है। अबे खा के तो देख, मस्त रहता है, खा के देख। खा ले पहला। अच्छा है कि नहीं? अंडा रहता उसमें? मलाई चाहिए क्या? अंडा रहता है? हाँ फिर ठीक है। अंडा दूध मलाई चाहिए? नहीं चाहिए। मैं भी पुलिस वाला अचानक चाय पीने का मन किया, उसने लेके आके चाय की। थैंक यू सर, थैंक यू। चाय तो जैसी भी मुसीबत है चाहे तो मिली। एक बात है, क्या बोल ले? खाली पेट क्यों ऐसे लौटता है? नहीं हाँ लौटे थे एक बार। क्यों? हाँ बराबर, लौटे थे एक बार। खाली पेट वैसे भी आज भी है, अब क्यों है वो सबको पता है। अभी हम लोग चल चल के जा रहे हैं आगरी पाड़ा तक। शर्जील बोल रहा है बहुत पानी है, फिर भी क्या कर सकते, गाड़ी तो वही है, जाना तो उससे ही है। लेट्स ट्राई, देखते हैं कुछ हो सकता है क्या। गाड़ी निकाल पाए तो चले जाएंगे, नहीं तो ओला करना पड़ेगा, गाड़ी धीरे धीरे रखना पड़ेगा। सॉरी सकलेन, आपको हमने इस मुसीबत में डाल दिया। ही इज एंजॉइंग, उसको फर्क नहीं पड़ रहा। ओए माँ का बच्चा, मैं भी देखो इतना इतना पानी है। अभी कहाँ तक है ये भाई, किधर तक है ये पानी इतना? अच्छा चलते रहो, क्या डूब ना जाओ बस। मानसून इन मुंबई ऐसे ही होता है। वर्ल्ड में रहूंगा मैं अगर नहीं जाऊंगा। कैसा लग रहा है आपको वाटर किंगडम में आके? हम लोग का आदत है, हम लोग ही का वाटर पार्क है। हम लोग खुद का पार्क है। अरे कितना लंबा है वो वहाँ से लेफ्ट, फिर गली में जाना है, वहाँ पे सबसे ज्यादा पानी है। आ गया अपनी बिल्डिंग के पास ही ढलान है ना। आ? ये पानी देखे, 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 एक्सपेरिमेंट बता रहा, देखो पानी कहाँ जा रहा है, पानी कहाँ जा रहा है, पानी वो तरफ जा रहा है। किधर जा रहा है? वो तरफ। अभी हम लोग यहाँ से नहीं जा रहे क्योंकि बहुत ज्यादा पानी है वहाँ पे। ऑलरेडी हम लोग ऑलमोस्ट घुटने तक आ गया था पानी। हम लोग ये वाला रूट पकड़ रहे हैं, यहाँ पे पानी कम दिख रहा है आगे। अब मेरा फोन वाटरप्रूफ नहीं है तो अंदर रख देता हूँ, वरना कुछ नहीं आएगा। पानी का स्तर तो कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहा है भैया। वो देखो कहाँ तक पानी आ गया, पहले एंकल तक था, ऑलमोस्ट घुटने तक आ गए। सिर्फ पैर में ना पता नहीं क्या 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 आ रहा है। डर एक ही चीज का है, हाँ चूहे गए दो तीन बार पैर के नीचे, चूहे चले गए, फटी थोड़ी, ऐसा लगा सांप आया। ओ तेरी, बढ़ गया पानी, ये देखो घुटना टच हो गया भाई, घुटने तक आ गया, कमर तक तो नहीं आएगा ना। अभी चले ही जा रहे, चले ही जा रहे, चले ही जा रहे लोग। शर्जील की बिल्डिंग सामने और कितना पानी है देख लो। मुझे नहीं लगता अब स्कूटर निकलेगी यहाँ से, गाड़ियाँ तो डूब चुकी है, देख लो खत्म, घुटने के ऊपर है पानी। अब रुकना ही पड़ेगा, कोई चांस नहीं, रुकना ही पड़ेगा क्योंकि क्या बोलो भी। चलो बिल्डिंग तो आ गई है सामने, ये बिल्डिंग, बिल्डिंग में तो आ जाके सब कम से कम बैठ सकते हैं अभी, जब तक पानी उतरेगा नहीं तब तक रुकना पड़ेगा। गेट ही डूब चुका है, नहीं निकलेगी हमारी गाड़ी, क्या किया जाए। हाँ क्या करे जाए, अभी रुका जाए और क्या कर सकते हैं। हाँ पहले पैर धुला दे भाई, बहुत बास मार रहा है ये। रही स्कूटर, अभी यहाँ से दो रास्ते, या तो ओला पकड़ के जाओ या तो स्कूटर लेके जाओ। स्कूटर के लिए हम लोग ये कर रहे हैं कि यहाँ पे बूच मार रहे हैं इसको ताकि साइलेंसर में पानी ना जाए, और गाड़ी स्टार्ट करना ही नहीं है। जब तक सात रास्ता आएगा नहीं तब तक तो करेंगे ही नहीं। अभी रिस्क लेके देखना है, अगर हमको ओला भी पकड़ना है तो भी सात रास्ते के आगे जाना पड़ेगा ओला के लिए भी, जहाँ पानी नहीं भरता है। के लिए हम लोगों ने हुक्की का जो रबर आता है ना पॉड का, वो डाल दिया और पूरा प्लास्टिक से इसको ढक दिया, तो जब पानी नहीं जाना चाहिए। चलो भाई अल्लाह का नाम लो, चालू करो, चालू मतलब धक्का मार के लेके चलो। शर्जील साइकिल से आ रहा है, ये वाली साइकिल से पीछे, और हम लोग इसको धक्का मारेंगे। अब यही चाह रहा है जो है ये क्या, हाँ अंदर डाल देते। चल मैं तेरे को बताता, अच्छे से आगे चल।
अरे रे वाटर स्पोर्ट के चक्कर में सब अटक गया, अब सब खराब हो गया सरदार साहब, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे बाप रे बाप, ये नया फटका निकले तो वाटर स्पोर्ट कर रहे। हम लोगों ने जैसे तैसे चालू कर दी, थोड़ा सा पानी से कम हुआ, साइलेंसर करके नीचे आया तो हम लोगों ने उनका आराम लेकर चालू कर दिया। हो गए चलो चालू, बट समीर को उतरना पड़ा बीच में, क्योंकि पीछे पाइप पे तो टायर स्पीड हो रहा था और जैसे तैसे करके निकल भाई। हम लोग वही सोच रहे थे कि बीच में रुक के फिर दोबारा ब्लॉक करें, बट हम लोग बोले कि शायद आप चालू हो गई, जब रोका तो बंद वहाँ हो जाए, इसके लिए हम लोग निकल गए। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए घर, सुबह हो गई, सुबह के 6:30 बज रहे। एडवेंचर था, एडवेंचर लिटरली एडवेंचर था। हम लोग आज तक क्या क्या नहीं हुआ, सब कुछ मिल गया। हम लोग इतने पानी में तैरे, मतलब इतने पानी में चले, धक्का मार के गए स्कूटर, बहुत कुछ हुआ। तो वीडियो को यही खत्म करते हैं, इसी के साथ में स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे काम, स्टे हैप्पी। जितनी भी तकलीफ आती है उसके साथ सोल्यूशन आ जाता है, जैसे हमारे साथ हुआ, तकलीफ थी, सोल्यूशन मिला, घर पहुंच गए, यही लाइफ है। के साथ पीस आउट एंड टेक केयर, बाय।